नरेला इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात। हिरनकी गांव में युवक को चाकू से गोदा। बच्चों को स्कूल से लेकर लौट रहा था युवक। दिल्ली का अलीपुर इलाका एक बार फिर सनसनीखेज वारदात से दहल गया है। जब मंगलवार की दोपहर स्कूल से बच्चों को घर लेकर लौट रहा कुणाल नाम के युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कुणाल नाम के युवक की बुरी तरह घायल होने की खबर सामने आई है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक वारदात दोपहर के वक्त हुई। बाइक पर सवार होकर आए तीन में से दो युवकों के पास चाकू था, जिससे कुणाल को निशाना बनाकर हमला किया गया। हालांकि हमले करने के पीछे की वजह क्या थी, इसका खुलासा अभी नहीं हो सकता है। पुलिस को पता चला कि घायल युवक हिरन की गांव का ही रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आसपास इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। पता चला है कि इससे पहले भी एक बार कुणाल पर हमला हो चुका है। फिलहाल पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला मानकर चल रही है।